नमस्कार, जोहार, नमो बुधाय। आप देख रहे हैं खबरें अब तक, मैं सत्या पॉल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चास के कुशवाहा नगर स्थित कुशवाहा भवन में सावित्रीबाई फुले सेना के द्वारा महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित व भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर छोटे बच्ची द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए चास महिला थाना की थाना प्रभारी शिल्पा कुजुर ने कहा कि आजादी पूर्व हमारे देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए माता सावित्रीबाई फुले के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। शिक्षा ही वह प्रयास है जिससे महिलाएं अपने संवैधानिक अधिकार के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी हर क्षेत्र में प्राप्त कर रही है। उन्होंने महिलाओं पर हो रहे यौन शोषण व घरेलू हिंसा पर प्रकाश डालते हुए महिलाओं को जागरूक रहने का संदेश दिया। मौके पर उपस्थित कांग्रेस नेत्री श्वेता सिंह ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के साथ पौष्टिक भोजन तैयार करती है। वर्तमान में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी विषय में बोलते हुए कहा कि आज पंचायत स्तर पर 33% आरक्षण मिला है, पर राजनीतिक खींचातनी के चलते लोकसभा और विधानसभा में महिलाएं आरक्षण से वंचित हैं, जिसके लिए आंदोलन करने की जरूरत है। संगठन की अध्यक्ष अनीता सिंह ने वर्तमान प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि झारखंड में नवनिर्मित महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर घोषित हो। इस समारोह को सफल बनाने में मधु रानी, किरण देवी, संतोषी देवी, इंद्रावती, पुष्पा पॉल, ज्योति बर्नवाल, पार्वती कुशवाहा, सीमा विश्वकर्मा आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सभा का संचालन अर्चना वर्मा तथा धन्यवाद ज्ञापन सुनील झा ने किया। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं महिलाओं को अपने महिला अधिकारों के प्रति जागरूक होने के आग्रह करूंगी। और अभी जैसे कि एक वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के लिए जल्द ही बोकारो में खुलने वाला है, इसके बारे में आज एक मीटिंग हुई थी। उसके थ्रू भी महिलाएं वो 24 आवर्स खुली रहेंगे, जिसको सखी के नाम से भी जाना जाएगा। वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं के पास एक ही जगह पे चिकित्सा, पुलिस, वकील और उनके आश्रय नौ 5 दिन तक अस्थायी रूप से रह सकते हैं। और महिलाओं को मैं यही आग्रह करूंगी कि वो पूरे परिवार का ख्याल तो रखती है, सर्वप्रथम वो अपना भी ख्याल रखना ना भूलें। हैप्पी वेमेंस डे। हसने भी बोला कि ये बहुत ही सौभाग्य का क्षण है, ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली चीजें हैं कि आज के दिन हम सारी महिलाएं बहनें एक जगह एकत्रित हुए हैं और आज के दिन हम कुछ नहीं, बहुत सारी अच्छी बातें हम लोगों ने एक दूसरे को बताया। किसी एक ने भाषण नहीं दिया इस प्रांगण में, कुशवाहा भवन में, सब लोगों ने आपस में बातें की, जो जिनके जानकारी में था, जो जिनका तजुर्बा था, अपने तजुर्बे को हम लोगों ने अपने माताओं बहनों से बांटा है। और आज के दिन मेरी सारी माताओं बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, नारी हमेशा एक ताकत बनती रही है। प्राचीन भारत से नारी एक ताकत रही थी और आने वाले समय में भी हमारे समाज के लिए ये ताकत ही बनकर काम करेगी। मेरी सारी शुभकामनाएं मेरी माताओं को। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सारी अपनी महिलाओं को, पूरे भारत देश की महिलाओं को सम्मान से ये हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि ये महिला दिवस हम लोगों का है, हम लोगों की सम्मान के लिए है। सो बाहर निकले और जागे, और हर इंसान को संघर्ष होता है जीवन में, आप भी संघर्ष करें, अपने नाम को, अपनी प्रतिभा को बिखेरें। और साथ ही हमारी सावित्रीबाई फुले संगठन के माध्यम से, ये मैं संगठन बनाई हूँ, जो इस संगठन के माध्यम से महिलाओं को जगाना चाहती हूँ कि आज के डेट में हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं है। राजनीति ही नहीं, हर क्षेत्र में हम आगे हैं, तो क्यों ना हम एक संगठन बनाएं जिससे हमारा समाज सशक्त हो, हमारा समाज सुरक्षित हो, हमारी बेटी बहनें आने वाले समय में, जैसे आज हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है समाज में अपने सम्मान के लिए, आने वाले समय में हमारी बेटियों को इतना संघर्ष न करना पड़े, इसलिए मैंने ये मंच बनाया। सावित्रीबाई फुले संगठन सेवा के माध्यम से मैं संदेश देना चाहती हूँ। मैं सावित्रीबाई फुले सेना की ओर से भारत सरकार से यह मांग करती हूँ कि लोकसभा में जो हमारा महिलाओं के लिए आरक्षण बिल रुका हुआ है, उसे जल्द से जल्द पास करें और महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाए। धन्यवाद। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें तथा हमारे Facebook पेज को भी अवश्य फॉलो करें।